हम पॉलीमर में ये पढ़ रहे थे कि पॉलीमर्स जो हैं वो अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाइड किए जाते हैं। उनमें से एक बेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो कितने तरह के मोनोमर से जुड़ा है, क्या वो आइडेंटिकल है, तो हमने उसे होमो पॉलीमर नाम दिया था, और यदि एक से ज़्यादा मोनोमर थे तो हमने उसे को पॉलीमर दिया था। अगला क्लासिफिकेशन जो है वो इस बेसिस पे है, सोर्स ऑफ पॉलीमर। ये जो हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस मिल रहे हैं उनका सोर्स क्या है, कहाँ से वो मिल रहे हैं। ये सोर्स तीन कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। पहला कहलाता है नेचुरल, नाम से ही क्लियर हो रहा है, अगर नेचुरली उनका सोर्स कोई माइक्रो ऑर्गेजम्स प्लांट या एनिमल है तो उसे नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया इज सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक वर्ड आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए या मेनमेड चीज़ों के लिए किया जाता है, मतलब नेचुरली वो नहीं मिली होती हैं, वो हम सिंथेटिकली लैब में या इंडस्ट्रियल लेवल पे उसको बना रहे होते हैं, और यहाँ पे इसके लिए वर्ड सेमी सिंथेटिक आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो होगा तो नेचुरल, तो उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया जाएगा। एग्जाम्पल जो होंगे आप उसे समझ लेंगे उसको। और जो तीसरी वेराइटी है वो है सिंथेटिक। अभी जो तीन कैटेगरी है उसमें मैंने कहा पहला जो है वो नेचुरल पॉलीमर होता है, और नेचुरल पॉलीमर जो है उसमें वो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स आएंगे जो नेचर में माइक्रो ऑर्गेजम्स प्लांट या एनिमल्स से मिलते हैं, और इनमें से मैक्सिमम का जो डिस्कशन होता है वो आपके साथ बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में हो जाता है। जैसे इस कैटेगरी में आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट आता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये पॉलीमर्स होते हैं जो मोनोसेक्राइड से बने होते हैं, जिसका एग्जाम्पल्स आप लोग अच्छे से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप इस कैटेगरी में स्टार्च को शामिल कर सकते हैं, सेल्यूलोज इस कैटेगरी में आता है, ग्लाइकोजन इस कैटेगरी में आता है। इन तीनों के सोर्स ह्यूमन बींग, एनिमल्स कुछ भी हो सकता है। जैसे ग्लाइकोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ये भी एक पॉलीसेक्राइड है जो एनर्जी सोर्स होता है। ये प्लांट्स की वॉल में पाया जाता है, जो स्ट्रक्चरल मटेरियल मेनली कहा जाता है, और स्टार्च जो है वो फूड मटेरियल कहा जाता है प्लांट्स के अंदर, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट नेचुरल पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड हम जानते हैं प्रोटीन, जो भी एक बायो मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो प्रोटीन है वो भी पॉलीमर है, क्योंकि ये इसका जो मोनोमर होता है वो अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड रिपीट होता है बार बार। जैसे आप एग्जांपल याद करें, हमने जब पॉलिस्टर की बात की थी, जब टैडलिन और डेक्रॉन को पॉलिस्टर नाम दिया था, तो वजह ये थी क्योंकि उसमें ईस्टर बॉन्ड रिपीट हो रहा था तो उसे पॉलिस्टर कहा था। वैसे जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड बार बार रिपीट होगा, इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो जब अमीनो एसिड इस तरह पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। और एक और है न्यूक्लिक एसिड, ये हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है, और जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्रोटीन जो है एक स्ट्रक्चरल मटेरियल कहा जाता है, हमारे बाल हो गए, नाखून हो गए, स्किन हो गई, सब में प्रोटीन मिलता है, वैसे न्यूक्लिक एसिड हेरिडिटरी मटेरियल कहलाता है, जिसका मेन फंक्शन होता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर ट्रांसफर करना। आप अच्छे से जानते हैं इसके दो एग्जांपल्स हैं, डीएनए और आरएनए, जिसमें डीएनए मेनली काम करता है कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का, और साथ में प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है बॉडी के अंदर, वैसे ही आरएनए जो है वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। ये भी एक पॉलीमर की कैटेगरी में आएगा, जिसका जो मोनोमर होता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो जानते हैं आप, 5 कार्बन की शुगर, एक बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बना होता है। तो इस तरह ये तीनों एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा सिल्क जो बहुत रिच फैब्रिक माना जाता है, और साड़ियाँ, सूट और शॉल्स, बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती है। सिल्क के अलावा वुल, भेड़ से जो मिलता है, ये सारे के सारे नेचुरल पॉलीमर कैटेगरी में आएंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे यूनिट्स से बने हैं, सबके अपने अपने मोनोमर्स हैं, मगर इसे हम सिंथेटिकली नहीं बना रहे, इसे हम नेचर से, प्लांट, एनिमल या किसी सोर्स से गेन कर रहे हैं, देयरफॉर दे कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी आती है, दैट इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अभी हमने जिक्र किया था इन्हें सेमी सिंथेटिक क्यों कहते हैं। इनको सेमी सिंथेटिक कहने के पीछे रीज़न ये होता है कि वैसे तो ये नेचुरल है, पर इनमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है अकॉर्डिंगली कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे बेनिफिट के होते हैं, पर हमारी ये कोशिश होती है कि ऑल इन वन चीज़ मिल जाए, हमको जो जो चीज़ चाहिए वो सब एक में मिल जाए। तो इसमें मिक्सिंग की जाती है किसी और चीज़ की। जो एग्जाम्पल था टेरिलीन फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा था कि इसमें स्ट्रेंथ अच्छी है, इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम है, तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, मॉथ रेजिस्टेंट होता है, कीड़ों का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्री रेजिस्टेंट, सारे अच्छे गुण है इसमें। मगर ये भी कहा था कि इसमें जो है वो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से गर्मियों के सीजन में इसे पहनना मुश्किल होता है, तो इसे कई बार कॉटन के साथ में ब्लेंड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। वैसे ही कुछ हम यहाँ करने वाले हैं, हम सेमी सिंथेटिक बनाने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ों में थोड़ा सा केमिकल मॉडिफिकेशन करने वाले हैं, जिसमें पहला नाम आता है सेल्यूलोस का। ये वही कार्बोहाइड्रेट है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि ये प्लांट्स की वॉल में मिलता है, जूट, फ्लैक्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इससे बनाई जाती हैं, मगर ये सेल्यूलोस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके और भी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे पहला एग्जाम्पल करूँ, जब इसमें सिंथेटिक मॉडिफिकेशन किया जाएगा, सिंथेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है इसमें थोड़ा सा इसको केमिकली ट्रीट किया जाएगा, सिंथेटिक मॉडिफिकेशन, इसे थोड़ा सा केमिकली ट्रीट किया जाएगा, तो एक जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो बनेगा सेल्युलोज एसिटेट। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप जो होता है CH3CO, उसका हमने इंट्रोडक्शन कर दिया है सेल्युलोज के अंदर। और ऐसा जो सेल्युलोज एसिटेट बनता है, इसमें सेल्युलोज तो नेचुरल पार्ट है, ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट है, पर एसिटेट फंक्शनल ग्रुप डेफिनेटली जो आया है वो केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू ही आ सकता है इसमें। ये जो सेल्युलोज एसिटेट होता है वो आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में काम आता है। आपने देखा होगा कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो दिखते सिल्क जैसे हैं, मगर वो एक्चुअल सिल्क नहीं होता, एक्चुअल सिल्क बहुत बहुत कॉस्टली होता है, तो इसलिए उसका एक कहना चाहिए एनोलॉग बनाया गया है, दैट इज आर्टिफिशियल सिल्क, ये बनाने के लिए काम आता है ये। और इसके अलावा प्लास्टिक ज्वेलरी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो दिखती प्लास्टिक जैसी हैं, प्लास्टिक ज्वेलरी बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो सेल्यूलोस एसिटेट कहते हैं इसको। उसी तरह एक है सेल्यूलोस ट्राइनाइट्रेट, इसमें जो सेल्यूलोस पोर्शन है वो तो नेचुरल है, अगर इसमें अगर ट्राइनाइट्रेट ग्रुप लिखा है तो नाइट्रो ग्रुप सिंथेटिकली इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो सेल्यूलोस ट्राइनाइट्रेट होता है, इसे गन पाउडर भी कहते हैं, और ये जो गन पाउडर है, गन पाउडर के रूप में ये एक्सप्लोजिव के काम आता है। एक्सप्लोजिव सुन के हमें एक ऐसा यूज ध्यान आता है जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए नहीं है। हम सारी चीजें ऐसी बना रहे हैं जो ह्यूमन बेनिफिट के लिए, हमने कहा ये एक्सप्लोजिव, और कई बार कोल माइंस होती हैं या बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनको तोड़ने के लिए एक्सप्लोजिव लगता है, तो ये जो गन पाउडर होता है वो एक्सप्लोजिव के काम आता है, जो बेसिकली एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, क्योंकि तो इसमें नेचुरल चीज़ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। इसके अलावा ये बाइंडर का काम करता है रॉकेट फ्यूल्स में। रॉकेट फ्यूल्स को रॉकेट प्रोपेलेंट भी कहते हैं,
और इन्हें प्रॉपरली साथ में रखना है, क्योंकि आप पढ़ते हैं रॉकेट प्रोपेलेंट में एक फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइजर होता है, तो उनको प्रॉपर बाइंडिंग जो है प्रोवाइड करता है दैट सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। तो इसे सेमी सिंथेटिक कहा गया है क्योंकि इसमें कुछ पार्ट जो है वो नेचुरल है, जिसे थोड़ा सा सिंथेटिकली मॉडिफाइड किया जिसके हम इसमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज जो है इम्प्रूव कर सकें।